हेलो एवरीवन, आज हम आपको बताएंगे लॉगरिथम के बारे में। लॉगरिथम या लघुगणक, देखिए हिंदी में लघुगणक जो शब्द है, इस शब्द से स्पष्ट है लघु माने होता है छोटा, गणक माने होता है गणना करना, यानी छोटी छोटी गणना, छोटे रूप में गणना, छोटा गणना से मतलब नहीं है, छोटे रूप में गणना कर देना। जो लंबे लंबे डिवीजन के और मल्टीप्लीकेशन के और जो पावर के क्वेश्चन होते हैं, घातों के क्वेश्चन होते हैं, उनको बहुत ही शॉर्ट मेथड से कैसे सॉल्व किया जाता है। एक स्कॉटलैंड के वैज्ञानिक यानी गणितज्ञ हुए थे स्कॉटलैंड के, जिनका नाम था जॉन नेपियर। जिनका क्या नाम था? जॉन नेपियर। इन्होंने एक ऐसी गणितीय तरीका, गणितीय पद्धति की खोज निकाली कि जिससे बहुत ही लेंदी जो डिवीजन, मल्टीप्लीकेशन और पावर के जो क्वेश्चन है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको ये कहूँ कि 41 की पावर 4215 इतना निकालना है, तो ये बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। ये अगर इसको मल्टीप्लाई करें इतनी टाइम, तो ये बहुत पूरे दिन, कितने दिन लग जाएंगे इसमें। तो इसके लिए जो है बहुत ही शॉर्ट मेथड से उन्होंने, बहुत ही ईजी मेथड से उन्होंने करी, और उसके लिए उन्होंने एक लॉग टेबल भी बनाई। वो लॉग टेबल जो है अगले वीडियो में बताएंगे उसको, इस वीडियो में भी काफ़ी लेंदी होगा ये वीडियो, क्योंकि सभी टाइप के क्वेश्चन, लॉग टेबल को छोड़ करके सारे क्वेश्चन जितने टाइप के होते हैं वो सारे इसमें हम कवर करने की कोशिश करेंगे। आप पूरे वीडियो को देखिएगा, थोड़ा लेंदी होगा, कोई बात नहीं, लेकिन आपका कॉन्सेप्ट जो है इस लघुगणक से संबंधित यानी लॉगरिथम से संबंधित बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। जब ये क्वेश्चन आप पूरा देखेंगे तो पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो देखिएगा, अगर आपको अच्छा लगेगा तो फिर लास्ट में आप इसको सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, शेयर भी करिए और लाइक भी कर दीजिएगा। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए कि लॉगरिथम में जो थोड़े से कुछ रूल्स हैं, नंबर वन रूल है, नंबर रूल ये है कि ए की पावर एन इजिकल टू एक्स है। अगर ए की पावर एन इजिकल टू एक्स है, तो यदि इसको हम लिखते हैं यदि, यानी इफ ए टू द पावर एन इजिकल टू एक्स है, तो इसका मतलब ये हुआ, इसका जब लॉग लगाएंगे तो लॉग ए बेस रहेगा इसका, ध्यान रखिए, और ये एक्स जो है यहां पर आ जाएगा एन की जगह, एन इजिकल एन जो है यहां, ये होता है, ये तब होगा जबकि एन इज नॉट इक्वल टू वन और ए इज नॉट इक्वल टू वन, ए और एन जो है वन के इक्वल ना हो। तो पहला रूल तो ये है। इसी में इसी का उल्टा करें, अगर हम दूसरे ढंग से कहें कि इफ लॉग, इफ यदि, फिर कहा यदि लॉग ए टू द पावर एक्स इजिकल टू एन, तो वो हो जाएगा इसी का उल्टा, ए टू द पावर एन इजिकल टू एक्स, या एक्स इजिकल टू आ जाएगा ए टू द पावर एन। इसके लिए भी वही है, यानी एन इज नॉट इक्वल टू वन, ए इज नॉट इक्वल टू वन। तो पहला तो रूल ये ध्यान रखना है आपको। दूसरा ध्यान रखिए, दूसरा रूल है लॉग का बेस 10 है और इस 10 बेस पर 10 की पावर 1 है, तो इसकी वैल्यू 1 होगी। 10 की पावर, ये ध्यान दीजिए, 10 की पावर 10 टू द पावर 1, लॉग बेस, इस लॉग का बेस 10 है, 10 बेस पर ही 10 की पावर 1 है, तो इसकी वैल्यू 1 होगी। इसी तरह आगे देखिएगा, 10 बेस है और इसमें 10 की पावर 2 हो तो इसकी वैल्यू 2 होगी। यानी जो पावर होती है यहाँ पर, अगर एक आधार पर ही, समान आधार पर समान संख्या, ये ध्यान दीजिएगा, समान संख्या की घात जितनी होती है वही घात उसकी वैल्यू होती है। अब देखिए अगला, लॉग 10 बेस पर 10 की पावर 2 इज इक्वल टू
टू होगा, अगर थ्री है तो टू लिख दिया हमने, थ्री है तो थ्री होगा। ऐसे ही लॉग टेन बेस पर 10 की पावर 4 है तो इसकी वैल्यू 4 होगी। तो इससे क्या रिजल्ट निकला, देखिए इससे एक रिजल्ट निकला इन चीजों से कि लॉग यहां पर और यहां पर जब दोनों संख्याएं समान होती हैं तो उसकी जो घात होती है वही उसकी वैल्यू होती है, ये ध्यान रखिए। और एक चीज और ध्यान रखना है इसमें, तो ध्यान रखने की चीज क्या है, देखिए और चीज है तीसरा बताएंगे, log 10 और इधर 1 तो इसकी वैल्यू 0 होती है, याद रखिए। log बेस अगर 10 है और log 1 है, यानी 10 बेस पर log 1 की वैल्यू जो है, 10 बेस पर log 1 की वैल्यू 0 होती है, 10 बेस पर log 1 की वैल्यू 0 होती है। इसको याद करिएगा, इसको लर्न करिए, तो याद करिए क्योंकि ये बार बार काम आएगा। अब देखिए आप, अब देखिए आगे अगला क्वेश्चन है, log 10 बेस पर इतना निकालना है तो कैसे निकालेंगे, ध्यान दीजिएगा। log बेस 10 है और log 1000 है, इट मीन्स इसको 10 की पावर कितना लिखेंगे, 3। तो इसका 10 बेस है और 10 पर ही पावर है तो इसका मतलब ये हुआ, ये इसकी वैल्यू 3 होती है, 3 ही होगी। सपोज एक चीज और है, 10 बेस पर है और 1/1000 है, ध्यान दीजिएगा, log 1/1000 की वैल्यू निकालनी है 10 बेस पर, तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करते हैं, ध्यान दीजिएगा, इसको ऊपर ले जाइएगा, ये आ जाएगा आपका 1000 का मतलब हुआ 1/10 की घात 3, और ये आ जाएगा log 10 बेस है तो ये आ जाएगा 10 की पावर, ऊपर जाएगा तो 10 की पावर -3, तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो -3 आएगी, ये ध्यान रखिएगा, ये सामान्य इसके रूल्स हैं। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन है, अब जितना भी पावर होगी, ध्यान दीजिए, log 10 में 10^10 पावर है तो इसकी वैल्यू 10 होगी, देखिए ध्यान दीजिएगा, ये चीज क्लियर होगी होगी। अब आगे देखिए अगला जो रूल लगता है, वो रूल क्या लगता है, log 2 बेस है और 2 की पावर 8 है तो इसकी वैल्यू कितनी होगी। अब ये ध्यान दीजिएगा कि ये और ये जब समान होते हैं तो इसकी वैल्यू यही होगी 8, ध्यान देना है आप। उसी तरह log x है, x की वैल्यू x की पावर a है तो इसकी का जो मान होगा a होगा, क्योंकि ये दोनों समान हैं तो ये पावर होगा, ये आपका रूल क्लियर हो गया, ये नोट करते रहिएगा रूल, सारे रूल्स हैं। नेक्स्ट है log a बेस पर m इंटू n, तो इसका रूल है, देखिए ध्यान दीजिएगा, log बेस a है, ये बेस हुआ, m जब मल्टीप्लाई में होते हैं तो
खुल करके लॉक अलग अलग हो जाते हैं। ये भी रूल याद करिए, ये इज इक्वल टू ये हुआ तो ये इज इक्वल टू भी ये हुआ, ये ध्यान रखिए। अगर इतना बराबर ये पूरा है तो ये पूरा बराबर इतना भी हुआ। जरूरत पड़ी तो हम इस प्रकार जब आएगा क्वेश्चन तो उसको ऐसे लिख सकते हैं, और ऐसे आएगा क्वेश्चन तो उसको ऐसे लिख सकते हैं, जैसी आवश्यकता पड़े। ये तो मल्टीपल। अब डिवीजन का देखिए, लॉग ए एम अपॉन एन इज इक्वल टू आ जाएगा लॉग, आधार इसका ए है, बेस ए है, एम माइनस हो जाता है इसमें ध्यान, और लॉग बेस ए है एन, यानी लॉग एम माइनस लॉग एन हो जाएगा ए बेस। तो ये अगला रूल है। अब ध्यान दीजिएगा, सेम नंबर है, अब देखिएगा सेम नंबर है। सेम नंबर मींस जैसे लॉग एक्स, लॉग एक्स की वैल्यू निकालनी है और एक्स बेस पर ही है तो इसकी वैल्यू वन होती है, इसको भी नोट कर लीजिएगा, इसकी वैल्यू वन होती है। ये तो इसके रूल्स। अब दो रूल्स जो है लॉग टेबल से संबंधित, इसमें लॉग टेबल तो इसमें नहीं बताएंगे हम, लेकिन लॉग टेबल में दो चीजें होती हैं, एक तो पूर्णांश एक अपूर्णांश। तो पूर्णांश जो है जब बताएंगे, पूर्णांश बराबर होता है पूर्णांकों की संख्या, पूर्णांकों की संख्या माइनस वन, और अपूर्णांश जो होता है लॉग टेबल में, अपूर्णांश सदैव क्या होता है, एक से कम होगा, एक से कम होगा और धनात्मक होगा, ऋणात्मक नहीं होता है और धनात्मक होगा। ये दो नियम भी याद करिए, बस इतनी चीजें आपको लॉग में याद करना है। अब बनाते हैं इससे आगे क्वेश्चन। अब क्वेश्चन है देखिए, पहला क्वेश्चन ये आपको आ गया होगा, पहला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर वन, लॉग एम एम कितना होगा। हमने क्या कहा था, किसी संख्या का लॉग जो है उसी आधार पर वन होता है, बस ये आंसर आ गया वन। नेक्स्ट देखिएगा, अब सॉल्व करना है, लॉग थ्री प्लस लॉग सेवन, हमने क्या कहा था, हमने कहा था कि लॉग एम इंटू एन इजिकल टू लॉग एम प्लस लॉग एन होता है, तो उसका उल्टा हम लेते हैं तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। ध्यान दीजिए, लॉग को कॉमन ले लेंगे, जब कॉमन लेंगे तो प्लस साइन हट करके मल्टीप्लाई हो जाएगा, थ्री इंटू सेवन हो जाएगा, ध्यान रखिए। तो इसको हम लिखते हैं लॉग ट्वेंटी, ये आंसर आ गया। ये देखिए उल्टा और सीधा रूल याद करिएगा। अगला है, टू की पावर थ्री इज इक्वल टू एट, तो लॉग टू दी पावर एट बराबर कितना, इसको निकालना। टू की पावर थ्री इज इक्वल टू एट दे रखा है, यदि ये क्वेश्चन है, यदि ये है तो लॉग टू टू दी पावर एट, यानी लॉग एट टू बेस पर, लॉग एट की वैल्यू टू बेस पर कितनी होगी,
तो इसको कैसे निकालेंगे भाई? इस एट को तोड़ो, एट को तोड़ोगे तो दो दो चक्को दो दुनी दो एकम यानी दो की पावर तीन हो गया। तो क्या लिख सकते हैं इसको? लॉग टू बेस है, इसको टू की पावर थ्री लिखेंगे। तो हमने क्या कहा था? लॉग टू की वैल्यू उसी बेस पर यानी टू ही बेस पर है तो इसकी वैल्यू एक घात के बराबर होगी, थ्री आ जाएगी। ये थ्री आपका आंसर आ गया। ये क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ जाते हैं, एक क्वेश्चन और है उसको भी देख लीजिएगा। यदि 0.001 बराबर 1/10 की पावर 3 तो लॉग 10 टू दी पावर 10 माइनस 3 इज इक्वल टू कितना होगा? ध्यान दीजिएगा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, तो हम इसका लॉग निकाल रहे हैं तो क्या आ जाएगा? लॉग 10 टू दी पावर, अब इसको क्या लिखेंगे? इसको लिखेंगे हम, इसका लॉग निकालना है तो लॉग इसको हम लिखेंगे 10 बेस पर निकालेंगे, कितना? 10 टू दी पावर 10 बेस पर, 10 बेस पर ध्यान दीजिएगा, 10 टू दी पावर माइनस 3 तो माइनस 3 इसकी वैल्यू आ जाती है, यानी 10 आधार पर ये 10 आधार पर निकाल रहे हैं इसके, इसका लॉग निकाल 10 आधार। तो ये क्लियर हो गया होगा। आगे भी अब आगे देखिए, सात की पावर 2 इज इक्वल टू 49 है को लॉग में व्यक्त करो, लॉग में व्यक्त करो यानी एक्सप्रेस करो, इसको दिखाओ। चलो क्या बताया था? लॉग में व्यक्त करने के लिए हमने क्या कहा था? ए टू दी पावर एन इज इक्वल टू एक्स है कि यहाँ एक्स आएगा एन इधर जाएगा तो लॉग लग जाएगा। सात बेस है और ये 49 है, इजिकल टू कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। अब कैसे आएगा ध्यान रखिएगा, 2 क्यों आता है? इसलिए आता है कि लॉग 7 है और ये 49 जो है 7 की पावर 2 है, 49, इसलिए हमने क्या कहा? सात सात समान है तो ये 2 वैल्यू आ जाएगा, इसलिए 2 आया। ये भी क्लियर हो गया होगा। अगला एक क्वेश्चन और है, 2 टू दी पावर माइनस 4 इज इक्वल टू 1/16 को लॉग में व्यक्त करो, लॉग में व्यक्त करो। चलो जी करो, क्या करेंगे? लॉग रूल वही लगेगा, ये वाला रूल, लॉग 2 बेस है, 1/16 है, इज इक्वल टू ये आ जाएगा माइनस 4। अब आप कहेंगे कैसे आया? ध्यान दीजिएगा, इसलिए आया, 16 को 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 अर्थात 2 की पावर 4 है, 1/16 है, इसका मतलब क्या हुआ? 1/16 का मतलब ये हुआ कि 1/2 to the power 4 इज इक्वल टू 2 to the power माइनस आ जाएगा ऊपर, इसलिए इसको हम ऐसे लिखते हैं। तो क्या लिखा हमने? लॉग 2 to the power कितना लिखेंगे? 2 to the power -4, ये दोनों समान हैं तो -4 इसलिए आया। ये कैसे आता है ये आप भी आना चाहिए, आप -4 है ये ध्यान रखिए। तो ये क्लियर हो गया होगा। अब देखिए आगे, थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन है, ये बहुत ही छोटे छोटे क्वेश्चन थे। अब लॉन्ग क्वेश्चन में क्या है देखिएगा, एक बट्टे 216 आधार का 6 पर लॉग ज्ञात करना है।
1/216 का लॉग निकालना है 6 आधार पर। लॉग निकालो, चलो जी निकालो। इसका लॉग निकालना है 6 आधार पर, लिखो 6 आधार 1/216। क्या करेंगे, लॉग 6 बेस है, इसको हम लिख सकते हैं 1 6 की पावर 3, इसी को हम लिख सकते हैं 6 की पावर -3, ऊपर जाके -3 पावर होगी, इसी की वैल्यू आ जाएगी -3, आंसर आ गया, क्योंकि ये दोनों समान है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, अब आगे बढ़ जाएंगे, लॉग 12 की वैल्यू निकालनी, याद करो लॉग 12 इज इक्वल टू, इसको तोड़ो, लॉग 12 कितना होता है, इक्वल टू आ जाएगा लॉग 12 इज इक्वल टू क्या होता है, 3 × 2 × 2, 3 × 6 × 12, यानी 2 × 2 × 3, ऐसे लिख सकते हैं, इक्वल टू आ जाएगा लॉग 2 की पावर 2 × 3। अब इसको खोलेंगे, चलो 3 ऐसे ही लिख दो, इक्वल टू लिख देंगे यहाँ पर लॉग 2 की पावर 2 प्लस, अब खुलेगा तो लॉग यहाँ भी आ जाएगा ऐसे, अब ये खुलेगा तो 2 आगे आ जाता है, ध्यान रखिएगा ये 2 यहाँ आएगा लॉग से पहले, और ये अपनी जगह रहेगा लॉग 2, यानी 2 log 2 प्लस लॉग 3, ये आंसर हो गया, ये एक्सपेंशन हो गया लॉग 12 का, ये क्लियर हो गया होगा। अब आगे देखिएगा, अगला और लंबा एक क्वेश्चन लेते हैं, एक लंबा क्वेश्चन और ले लेते हैं, वो है लॉग 108। लॉग 108, ध्यान रखिए इसमें कोई बेस नहीं दे रखा है, तो क्या करेंगे, 108 को तोड़िए, 108 को तोड़िए भाई, 2 से 2 5 10, 2 4 8, 2 से 2 3 4, 2 7 14, 3 से 3 9 और 3 से 3 3 और 3 से 3, 1 2 3, ये आ जाएगा बराबर लॉग कितना आ गया, हाँ यहाँ पर आया लॉग 2 की पावर 2 × 3 की पावर 3, इतना हम लिखते हैं, इसको खोलेंगे तो ये आ जाएगा आपका लॉग 2 की पावर 2 प्लस, ये खुल गया, प्लस हो गया ये गुणा की जगह, लॉग लॉग दोनों जगह आ गए, ये ध्यान रखिएगा इस रूल को, लॉग इतना गुणा इतना है तो लॉग इतना धन लॉग इतना हो जाएगा, तो ये आ जाएगा लॉग 2 बाहर निकले, बाहर निकल गया 2 आ जाएगा, इसमें 3 बाहर निकला, ये लॉग 3, तो ये इसका एक्सपेंशन हो गया। अब आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉग 16 प्लस लॉग 54, लॉग 16 प्लस लॉग 54 अगला क्वेश्चन है, तो इसको तोड़िए, 16 को कैसे तोड़ेंगे, 2 × 2 × 2 × 2, यानी 2 की पावर 4, और ये 3 × 3 × 3 9, 6 54, 9 3 और 2, 3 की पावर 3 और 2, 2 3 6 3 8 8 3 54, ठीक हो गया। चलिए इसको लिखिएगा लॉग 2 की पावर 4 प्लस लॉग, यहाँ कितना आ गया, 3 की पावर 3 × 2 आ गया, इसको खोलिए आप, 4 तो आगे आ गया, 2 आ गया प्लस, इसको पूरा खोलिए आप, लॉग 3 की पावर 3, इसको आ जाएगा लॉग, ये आ जाएगा, देखिए इसमें प्लस, ये मल्टीप्लाई की जगह प्लस लॉग लगा रहे हैं, ऐसे खुलता है लॉग एम इंटू एन इज इक्वल टू लॉग एम प्लस लॉग एन वाला फॉर्मूला, तो अब ध्यान दीजिएगा 4 log 2 ये है, 1 log 2 ये है, यानी 1 है, 4 1 5 log 2 log 2 है, तो ये आ जाएगा 5 log 2 प्लस 3 पहले आ जाएगा, और ये log 3 आ गया, ये आंसर हो गया इसका, ये भी क्लियर हो गया होगा। अब एक चीज और बताना चाहेंगे हम इसमें आपको,
अगर इसकी वैल्यू दे रखी है, सपोज माना दे रखी है लॉग टू इज इक्वल टू होता है 0.3010 और लॉग थ्री इज इक्वल टू 0.4771। ये फार्मूला है इसका, लॉग टेबल से दिया गया है। तो क्या करेंगे, इसको लिखेंगे 5 इंटू कितना आ जाएगा 0.3010 प्लस 3 इंटू आ जाएगा 0.4771। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 1.5050 प्लस इसकी वैल्यू आ जाएगी 1.4313। इसको ऐड करेंगे तो 2.9363 आ जाएगा, 2.9363। अगर कभी क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि लॉग टू इज इक्वल टू इतना, लॉग ए इज इक्वल टू इतना, तो पूरी वैल्यू निकालो, तो ये वैल्यू निकल गई, देखिए इसकी वैल्यू निकल गई। तो ऐसे निकालते हैं। अब एक क्वेश्चन और है, थोड़ा लेंदी है ये, लास्ट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिएगा, यानी लॉग के सारे कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाएंगे इस वीडियो फर्स्ट में। वीडियो सेकंड में कुछ जो रह जाएगा वो सेकंड में करेंगे, ये फर्स्ट पार्ट है, ध्यान दीजिए। अब है लॉग 75/16 माइनस 2 लॉग 5/9 प्लस लॉग 32/343। इसका प्रूफ करना है लॉग 2, इसको प्रूफ करना है कि लॉग 2 प्रूफ करो, PROV, प्रूव दैट, ये होता है। तो लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए LHS, लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए लॉग 75/16 माइनस 2 लॉग 5/9 प्लस लॉग 32/243, ये लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए। अब ध्यान रखिएगा, लॉग m प्लस लॉग m n इज इक्वल टू लॉग m प्लस लॉग n होता है, तो उसका उल्टा यहां पर यूज करेंगे हम फॉर्मूला। तो कैसे करेंगे, ऋण वाले को तो भाग कर देंगे, धन वाले को गुणा कर देंगे, पहले धन धन वालों को एक साथ। ये आ जाएगा लॉग कितना हो गया 75/16 प्लस, इस प्लस वाले को यहाँ एक साथ ले लो, इससे सहूलियत होगी कैलकुलेशन में, 32/243 माइनस इसको यहाँ ले लो 2 लॉग 5/9। अब ध्यान दीजिए, ये आ गया लॉग m प्लस लॉग n, तो हम क्या करेंगे, लॉग mn कर देंगे, क्या करेंगे लॉग mn, m की जगह ये n की जगह, सीधे करेंगे 75/16 गुणा हो जाएगा, ये वो रूल लगाया हमने, ध्यान दीजिएगा 243। अब ये माइनस वाले को फिर करेंगे, पहले इसको वहां ले जाओ, ये आ जाएगा लॉग कितना 5/9 की पावर, ये पावर में चला गया। ये कौन सा था, ये था लॉग 10 की पावर, यानी लॉग m की पावर n इज इक्वल टू कितना, लॉग n लॉग m, ये वाला था, ये वाला फॉर्मूला, ये फॉर्मूला, यानी इसकी जगह ये लिख दिया, ये ध्यान दीजिएगा, ये 2 जो है पावर में चला गया। अब सॉल्व करिए इसको, इससे करते हैं, देखिए 3 से इसको काटिए, 3 से 3 8 24, 3 एक 3 2 25 हो गया, 16 से ये 2 बार कट गया, 25 और 2 आ गया, लॉग आ गया 25 × 2 50, कितना आ गया लॉग 25 × 2 आ गया। ध्यान दीजिए, अभी ऐसे लिखते हैं, माइनस इसको करिए, लॉग आ गया 5 × 5 25, 9 81, ये आ गया ये। अब ध्यान दीजिएगा, ये तो अब इसमें जगह नहीं है, थोड़ा मैं फर्स्ट लाइन को मिटा देता हूं, इस लाइन को मिटा, लॉग टू निकालते हैं, हमने निकालना लॉग टू, देखिए निकल आएगा आराम से, कोई बात नहीं। तो क्या करें, इक्वल टू माइनस है, माइनस को क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, ये आ जाएगा लॉग 50 हो गया,
या 25 गुणा दो ही लिखिए, एक ही बात, 25 गुणा दो इसको भागा लिख दीजिए और ये लॉग कॉमन आ गया तो ये गुणा भाग में चेंज हो जाएगा। ये आ गया भागा, कितना हो गया 25 बट्टे 81, ऐसा बन गया। ये ध्यान दीजिएगा, लॉग दोनों में कॉमन आया तो यहां पर भाग का चिन्ह आ जाएगा, यानी लॉग क्या हुआ फॉर्मूला, लॉग एम अपॉन एन इज इक्वल टू लॉग एम माइनस लॉग एन, तो लॉग एम माइनस लॉग एन को हमने लॉग एम एन लिख दिया, एम अपॉन एन लिख दिया, सो एम अपॉन एन अपॉन है भाग का मतलब अपॉन। तो अब क्या करेंगे, या बट्टे भी लिख सकते हैं सीधे, चलो अभी चलो यहां लिख देते हैं, तो इससे आ जाएगा लॉग 25 गुणा दो गुणा उल्टा करो 81 बट्टे 25 भाग को सॉल्व करने के लिए गुणा करते हैं तो उसका इनवर्स कर देते हैं, ध्यान दीजिए। तो अब क्या हो गया, 25 से तो 25 गया और यहाँ 81 भी था कहीं, हाँ ये 81 भी था, इधर क्या था 81 भी था, ये ध्यान रखिए इसमें 81 भी था, तो 81 से 81 कट गया तो क्या बचा, बराबर बच गया लॉग दो, ये ध्यान दीजिएगा, ये 81 लिखना भूल गए थे हम यहाँ पर, ये आ गया, यानी 25 गुणा दो बट्टे 81 ऋण लॉग 25 बट्टे 81 है, तो क्या आ जाएगा लॉग 25 गुणा दो बट्टे 81 गुणा, यानी भागा पहले भाग लिखा फिर गुणा, ये 81 ऊपर गया और 25 नीचे आ गया, तो 25 से 25 कट गया 81 81, तो लॉग दो आ गया, यही बराबर राइट हैंड साइड है, लॉग दो वैल्यू निकल आई। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और सभी इससे लाभान्वित हो, सारे कंपटीशन में जितने भी कंपिटेटिव एग्जामिनेशंस होते हैं उन सब में जो है इसका बड़ा फायदा आप लोगों को होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपको।